तीजन भाई, अभी आपको पद्म विभूषण मिला है इस साल 2019 में, तो क्या लगा आपको? अब देखिए, पद्मश्री पद्म भूषण विभूषण मिल चुका, तो पहले तो दिल में वो लगता था डर, अब वो डर भय नाम चीज निकल चला तीन तीन वार्ड मिलने के बाद, तो अब क्या लगेगा खुशी के, आप लोगों को जितना खुशी है उनसे दो गुना मेरे को खुशी है। लेकिन जिस समय बचपन में आपने ये गाना शुरू किया था, कहते हैं आप दगरिया बहुत अच्छा गाती थी, खेतों में जाके गाती थी, तो उस समय ऐसा कभी दिमाग में था कि कभी ऐसी इतनी बड़ी आप वो बन जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं था। अब मैं तो बहुत गरीब घर की लड़की हूँ, दो रोटी दिन भर में मिल गया वो तो काफ़ी है। माता पिता तो झोपड़ा में रहते थे, हम लोग भी झोपड़ा में रहते थे, खाट और पलंग क्या है हम तो जानते नहीं। ऐसे घर की लड़की हैं, ददरिया बांस गीत ये बहुत सुंदर गा लेती थी, बशर्ते ये क्षेत्र में आ जाऊंगी ये भी मतलब मन में नहीं उठानी थी। ये जगह के बगल जगह है, यहीं मैं कबड्डी खेल के गई, ये जगह खेलने का जगह था। तो मैंने नहर नाली जा रही थी, उतने समय मेरे नाना द्रौपदी चीर हरण कथा कर रहे थे और भगवान कृष्ण को वो जोर से आवाज़ लगा के चिल्लाया, तो वो जो आवाज़ थी वो मेरे शरीर में करण जैसा लगा कि नाना क्या कहता है, और लोग एक भी नहीं रहते। तो बहुत देर तक मैंने सुनी, भगवान आया और उसके बदन में साड़ी पुराया, बस इतना कहकर वो बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय किया, तो बोले मेरे को बंद हो गया। फिर मैं जाके नहर नाली हाथ पाँव धोई आई, तो मेरी माँ डांट रही थी, पहले देरी कैसे लगाई, तो मैं झूठ बोलने लगे कि मेरी सहेली को बात करती रही उनके साथ, ठीक है फिर खाना खाई। मन से हटता नहीं था, जो भगवान कृष्ण को मेरे नाना पैर लगाया वो दिमाग से हटता नहीं। हाँ, अब मैं रोज छुप छुप के सुनती रही, रोज छुप छुप के सुनती रही, पर वो कोई एक दिन पकड़ा गई तो मेरे को जोर से चिल्लाया, क्या तेरे मम्मी डांटी मारी, क्यों छुपी हो यहाँ? तो बोले ऐसी छुपी हूँ, पिताजी डांटा, बोले नहीं आई कोई नहीं डांटा, ऐसी छुपी हूँ। तो बोलता छुपा छापी खेल रही रे, तो बोला नहीं कुछ भी नहीं खेल रही हूँ। तब के तारी मेरे नाना ने जोर लगा के चिल्लाया, जब कुछ भी नहीं कर रही हो तो यहाँ छुपी क्यों हो? मैं क्या करूँ, जबरदस्ती बताना पड़ा कि आप कथा कहते हो उसको मैं सुनती हूँ, कैसे आप कथा कहती हो उसको मैं सुनती हूँ बस। तो बोले क्या बोले, नहीं आप कथा कहते हो उसको सुनती हूँ। तो बोले कब से सुन रही है? तो मैंने झट से बोली द्रौपदी चीर हरण से, तो बहुत अनुमान लगाने लगा थे, बहुत दिन के छुप के सुनती है। तो बोले अंदर क्यों नहीं आती? तो मुझे डर लगता, बोले मैं शेर हूँ खा जाऊँगा, अंदर आ। फिर वही अंदर ले गया, छोटा सा चटाई दिया उसमें मैंने बैठ गई और फिर शुरू किया। तो मतलब आपके जो नाना थे वो पंडवानी गाते थे? हाँ, पूरा पंडवानी, उसको गाते नहीं थे पंडवानी, पूरा मालूम थे, अपने आप को संबोधित करते रहते गागा के। मतलब कहीं नहीं गाने जाता। देखा जाए वो पंडवानी नहीं थी लेकिन महाभारत कथा थी, जो पूरा महाभारत की कथा है, छत्तीसगढ़ी बोल चाल बोली ना, क्योंकि कानवान जी महाभारत की पूरी कहानी है, पर यहाँ के छत्तीसगढ़ी बोल चाल बोली में हमारे पांडव के वाणी को पंडवानी के नाम से संबोधित करते हैं। अभी भी लोग कहेंगे पंडवानी सुनने चलो, महाभारत सुनने चलो, नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो परंपरा चीज जुड़ी हुई है ना, उसको मिला के बोलते हैं, उसको हटाते नहीं। कौन से सन की बात होगी? अब ये मैं सन तो मैं नहीं जान सकती, खुद ही पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अब कौन सन में मैं शुरू की क्या किया ये भी मैं नहीं जान सकती, क्योंकि गाना है भाई गाना है, बजाना है भाई बजाना है, इनके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आया। ऐसे कहते हैं कि पहले जब ये दस गात वगैरह होते थे, नवरात्रे वगैरह होते थे, तो उसमें जो ये कौरव पांडव की महाभारत की जो कथा है भजन के रूप में लोग उसको सुनाने के लिए जाते थे,
कहीं 18 दिन के महाभारत पंडवानी की, कहीं 9 दिन के, कहीं 13 दिन के, कहीं 14 दिन के, कहीं 15 दिन के, इस तरह का गांव गांव में कहती रही। तो जब आपने गाना शुरू किया उस समय कह रही कोई लक्ष्मी सतनामी थी दुर्ग की यहाँ कहीं थी जो मेरे को ये पता नहीं था सर, वो मेरे को पता नहीं था। मैंने इस गांव से सीखी हूँ और इस गांव से दूसरे गांव गई, क्योंकि मेरी मम्मी मार दी ना तो चंदखुरी नाम के गांव में मैंने गई, वहाँ मेरे साथी लोग थे उन्हीं के साथ गई थी। तो पंडवानी मैंने वहीं से शुरू की, चंदखुरी गांव में। अब मैं कोई लक्ष्मी वक्ष्मी किसी के साथ मेरे संपर्क नहीं हुई, मैं तो छोटी थी, इतनी बड़ी तो नहीं थी। उनके साथ झाड़ू राम जी के साथ भी कभी संपर्क आपका? संपर्क भोपाल में हुआ था हमारा संपर्क, बड़े होने के बाद भोपाल में, जहाँ झाड़ू राम, पुना राम, मैं, अरेवा राम, नाथगांव वाला, ये सब के पाल्टी भारत भवन में हुआ था, तब हम एक साथ काम किए। उससे पहले आप इन लोगों से कभी नहीं? फिर बाद में दिल्ली में मिले हम, दिल्ली में मिले मतलब अशोका होटल में 7 दिन के कार्यक्रम दी मैं, तो बार बार जब मेरे पेपर में आते रहे तो झाड़ू राम जी चिल्लाते रहे कि लड़की है इसलिए सब पेपर में आते हैं, हम लोग लड़के हैं कहाँ आएगी। तो मैं, मेरे को तो ये भी नॉलेज नहीं कि लड़की को दिया जाता है लड़के को नहीं दिया जाता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब आपने शुरू किया यहाँ पे गनियारी में और चंद्रखुरी में, उस वक्त तक आप और? मैंने यहाँ सिर्फ छुप छुप के शुरू किया, यहाँ कोई स्टेज में प्रोग्राम नहीं दिए। हाँ, 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 क्योंकि मेरी मामी जो थी बहुत कड़ा थी ना, वो बहुत मारती थी मेरे को, इसलिए उनके सामने गुनगुनाना बोलना बहुत गुना था। मैंने यहाँ से उठ के चंदखुरी गई थी, वहाँ से शुरू हुआ। हाँ नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने पंडवानी गाना शुरू किया जी, तो उससे पहले आपने किसी का भी कार्यक्रम सुना था क्या? हमारे गांव में कोई कार्यक्रम नहीं आया था ना, कोई कार्यक्रम हम सुनने जाते थे, क्योंकि हमको डांट फटकार के मारे तो बस खाना खाओ और सो जाओ। तो फिर आपको मंडली बनाने का विचार कैसे आया? मंडली वहीं बने थे, दाऊ जी ने बनाया। अच्छा। मैंने नहीं बनाई। आपके दाऊ थे? नहीं, वहाँ के जो माल गुजार थे भूषण नाम के। हाँ। वो ने बनवाया। अच्छा, उन्होंने आपको? हाँ, मैं स्कूल में रहती थी ना, और चटाई बनाती बनाती खूब पटवानी गाती थी। अच्छा, मेरी सखी, मेरी सहेली लोगों के साथ, तो उन लोग सुन लिए, उनने सुने तो दाऊ को बता दिए, तो दाऊ भी सुन नहीं गए, छुप छुप के सुन रहे थे, ऐसे सामने आके नहीं सुनते थे। तो जब उसको सहा नहीं गया तो सामने में वो आया, और आने के बाद वो चिल्लाने लगा कि क्या गजब के पंडवानी गाती है, बोले कौन लड़की है गाती है, तो दूसरे बताया कि ये गाती है। तब फिर वो लोग बोला बहुत सुंदर गाती है, तो फिर बहुत सारा राशन भेजे हमारे हम लोगों के लिए, तो पका के खा लिए। शाम के समय हमें स्टेज बुलाए, तो सोलापुरी चादर को मतलब स्टेज बनाए रहे, और 2-4 कंडी उसको सामने में डाल दिए, फिर हमको शुरू कराए। और तो तबला पेटी देख के हम तो भग रहे थे, तो बोले कहने लगे भगिए नहीं, बजाएंगे वो लोग, आपके गाना में बजाएगा तब तो बजने दे, और नहीं बजेगा गाना तो हम भगा देंगे। ऐसे करके हमको ऐसे मतलब प्रोत्साहन दिए, तो हम ऐसे बैठ गए, गाना तो तबला पेटी बहुत सुंदर बज रहा था। आपने उसके पहले कोई किताब से मतलब कथा याद नहीं करी थी, जो नाना लोग गाते थे, दूसरे लोग गाते थे, सुन सुन के याद करी? हाँ, सुन सुन के याद। कोई आप स्कूल तो पढ़ी? जी जी, कोई नहीं। अभी स्कूल नहीं? जी नहीं। तो आप पढ़ नहीं सकते थे? अब अभी भी नहीं पढ़ सकती मैं। तो पुस्तक से आपने कुछ चीज रटा? नहीं, पुस्तक से तो मैं कुछ नहीं कर पाती, जो मेरे नाना जी ने कहानी सुनाया वही अभी तक ले मेरे दिमाग में है। और ये तो जब आपने शुरू किया होगा, क्योंकि आपने तो मंडी देखी नहीं थी, तो तंबूरा तो आपको बजाना भी नहीं आता होगा उस समय? नहीं, मेरे नाना सिखाता था ना तंबूरा। अच्छा, वो सिखाता था। तो जब जल उसने चंद्रखुरी में शुरू किया जी, तो तंबूरा बजाने लग गए? हाँ, उनका एक तारा था। अच्छा, वो एक तारा और करतायल, तो हमने करतायल बजाते थे तो तंबूरा बंद हो जाता था,
तमूरा बजाती तो करताल बंद हो जाता था। मेरे नाना को बोला बाब नाना इसको तीन तार लगाए जाए, तो बोले तार कहाँ से लाए, तो रायपुर से ले आओ। रायपुर गए हम, चरचर आना मिलता था इतनी बड़ी बड़ी गुट्ठी, हम 2 रुपए के ले आए। फिर उसको छेद किए, हंसिया गरम करके छेद किए, छेद करके हमने डंडी बनवा के और बांध के सुजारी में लोहा के सुजारी बना के हम बजाना शुरू किए ना, तो हमको बजाने आ गया। तो नाना कहते हैं रुकिए नहीं, वैसे ही बजाना, ये करताल छोड़ दे, क्योंकि मेरे को करताल बजाने नहीं आता था। अब उसको बजाती तो ये तंबूरा नहीं बजा पाती, तो बंद कर दी मैं। तो बाद में फिर आपने करताल बजाया ही नहीं? नहीं बजाई थी, नहीं मेरे को आता ही नहीं बजाने। तो आप तंबूरा से ही एक तारे से? हाँ, तंबूरा या तीन तार रहता है, पर तीनों तार एक ही तार मेरे मिला रहता है। अच्छा, एक ही स्वर में? एक ही स्वर में। हाँ, तीन तार है पर स्वर एक है तीनों का। तो ये जो तीन तारा आप बजाती थी जी, उससे गायन में कुछ मदद मिलती है? हाँ। क्या मदद मिलती है? मैंने बजाना है तो मैं बजाऊंगी तो तबला पेटी बजता है। अच्छा। हाँ। मतलब वो तबला पेटी जो है? हाँ, वो सुर में बजता है जिस सुर में आप तंबूरा बजाती? मैं बजाती हूँ। तो जब शुरू किया आपने जी, तो उसका सीक्वेंस मतलब उसका क्रम कैसे बनाते हैं, कहाँ से शुरू करना है, कैसे जाना है? नहीं तो अलग अलग पाठ है ना। हाँ, हाँ। अलग अलग पाठ है तो आज यहाँ कहना है, जैसे द्रौपदी चीरहरण है, द्रौपदी शेम्बर है, दुशासन वध है, करण वध है, कीचक वध है, ये सब अलग अलग छोटे 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 टुकड़ी है। हाँ, हाँ। हाँ, अब उसको मिला के भी आप काम कर सकते हो। जैसे 18 दिन के महाभारत 4 घंटा काम करते थे ना, तो 1-2 कथा मिल के काम करते थे हम। अब तो टुकड़ा टुकड़ा बन गए, क्योंकि 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के कार्यक्रम देती हूँ, तो उसको छोटा छोटा भाग बना के। तो ये आपने बैठ के मतलब सोच के किया कि 14 दिन वाले में कैसे गाना है? नहीं नहीं, हम कभी नहीं किया, हम स्टेज के ऊपर काम किया, जो भी किया। आज भी हम स्टेज के ऊपर काम करते हैं, ऐसे हम कभी सोच के नहीं रखते कि ये काम हम ऐसे करेंगे करके। तो जो स्टेज के ऊपर तत्काल आप सोच लेते हैं कि क्या इसमें करना है? जनता मांग करती थी ना। हाँ। कोई कहते थे आज करण वध सुनाओ, कोई कहते थे अब मनु वध सुनाओ, कोई कहते थे दुशासन वध सुनाओ, कोई कहते थे द्रौपदी चीरहरण सुनाओ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे जब आप भारत भवन में ये झाड़ू राम जी और पूना राम जी इन सबको मिले जी, तो कहते हैं कि उन लोगों ने तो वो सबल सिंह चौहान की किताब से सारा कुछ किया था जी। हाँ। तो आपकी कथा में और उनकी कथा में कोई फर्क दिखता था? कोई कथा फर्क नहीं होता, चाहे आप लिखी तो मैं बात करती जाऊँ, आप पढ़ते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कथा सब एक ही है। या संवादों में कुछ फर्क पड़ता? संवाद भी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बताने बताने का ढंग अलग अलग है। अच्छा। कोनो जोर लगा के बताते हैं, कोनो चलती फिरती बता देते हैं। तो बातों बातों में सिर्फ बात में फेर है और कथा में फेर नहीं। तो आपको क्या लगता है, ये जो पूना राम निषाद थे और आप हैं और झाड़ू राम जी हैं जी, तो तीनों की जो गायन शैली थी पंडवानी की, उसमें कुछ फर्क था गाने के तरीके में? गाना अलग अलग गाया जाता है, जैसे थोड़ा मैं दूसरी किस्म गाती हूँ, वो तो गाना तो नहीं गा पाऊंगी, थोड़ा गला खराब है। क्या उनका थोड़ा सा नहीं, 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 नहीं गा गाना नहीं गाना है? अगर आप थोड़ा तो अलग 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 शैली उनके, उनका अलग है हमारा अलग है। वो रामे रामे से शुरू करते थे ऐसे भी बताते? हाँ, वो उन लोग करते थे। अब मैं समय में शुरू करती हूँ, तो ये फर्क हो गया। हाँ, बस यही फर्क है। फिर ऐसे भी बताते हैं कि ये जो अभिनय है, ये आपने थोड़ा ज्यादा उसमें डाला? ज्यादा कुछ भी नहीं डालते हैं, जो कथा है उसी आधार पे चलता है। जोश है तो जोश में नहीं बोलोगे क्या? हंस के थोड़ी बोलोगे, और जहाँ हंसना है वहाँ थोड़ा रोना थोड़ा पड़ेगा, तो रोगे थोड़े। तो बस कथा बताने का अलग अलग ढंग है, कथा सब एक है। तो उन कहते हैं कि जो झाड़ू राम देवांगन है वो बैठ के? हाँ, बैठ के करते थे। और आप खड़े होके? अब मैं खड़े होके करती हूँ। तो कहते हैं ना कि झाड़ू राम करते हैं वो वेदमती है, अब मेरी कपालिक शैली है करते कल्पना जी।
तो आपने कभी सोचा ये कल्पना क्या है? कल्पना हम सोच नहीं पाए हैं, बाद में भोपाल में ये बात चर्चा हुई, हम तो जिस तरीके गाते थे वैसे ही गाते रहे। उन लोग सब बैठ के गाए और हम खड़े होके गए। तो ये आपने कैसे सोचा कि मुझे खड़े होके गाना चाहिए? अब मैं लड़की जाती हूँ ना, तो मुझे खड़े होके गाना अच्छा लगा। अब उन लड़के जात है तो उन लोगों को अच्छा लगा होगा। लेकिन गुरु का इसमें बहुत महत्व है। महत्व है तो माने जब ना, तो महत्व तो पूरा सीखोया। अब सबसे शुरू मैंने सीखी तो किसको गुरु माना जाए? हम एक पंडवानी के लिए अपना घर बार सब त्याग दिए, अपनी जिंदगी उन्हीं में कुर्बान करके रख दिए। चाहे कोई चिल्लाए, कोई गाली दे रहे, कोई कुछ भी किए, हम किसी के परवाह नहीं किए, अपना आगे चलते रहे, पीछे मुड़ के हम नहीं देखे। मतलब पहले क्या लड़कियों को पंडवानी में आने नहीं देते थे? गाना गाना मुश्किल रहा तो पंडवानी बहुत दूर की बात है। अच्छा, एक पंडवानी गाने वाले को क्या क्वालिटी होना चाहिए उसमें कि वो अच्छा पंडवानी गाने वाला बन सकता है? उसको लगन, उनमें प्रेम, मेहनत, ये दो तीन चीज अपने पास में रख ले। ज्यादा झूठ ना बोले, झूठ बोलना तो महान पाप है ना। पग पीछे बोलोगे झूठ तो भगवान भी तो देखता है ना कि कितना झूठा आदमी है करके। तो ये सब चीज से वंचित रहो, ज्यादा तुम्हारे दिमाग को इधर उधर मत करो। ईश्वर के ऊपर में लगन लगाओ, तभी भगवान साथ देता है। अभी उसको छोड़कर आप काम करोगे तो ये काम नहीं कर पाओगे। लेकिन हबीब तनवीर का भी कुछ इसमें योगदान था पंडवानी में? देखो, हबीब तनवीर ने कुछ योगदान नहीं दिया मेरे बाप, मैं खुद ही कलाकार थी। उन्हें बहुत जोड़ने के लिए प्रयास किया पर मैंने जुड़ी नहीं। और ये कभी जो रावण जीपन के नारायण लाल, सबसे मेरे नाना जी ने बताता थे कि रावण जीपन में नारायण मामा भाचा दोनों जने खंजेरी और तमूरा में काम करते थे। उसको शायद झाड़ू राम देवांगन ने सीखा, उसके बाद पुनाराम निषाद ने सीखा, तो उनका शैली अलग है। नाना जी ने हमको मात्र कहानी बनाया, ऐसा समझ गए ना उसको। अब उसको क्या कहूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकती। जिस तरीका मैंने काम की, मेरे गुरु उसका कुछ गुरु नहीं है, गुरु सिर्फ मेरे कहानी के गुरु है। जो मैंने जिस स्टाइल पे मैंने काम की, वो स्टाइल में हो सकता है कि माँ सरस्वती के भी देन होगी, ईश्वर का भी देन होगा, तभी ये काम कर सकी। मतलब वो अपना मन से की हूँ उसको। आपका मानना है कि कहानी आपको जरूर सिखाई दे? जी जी जी। लेकिन उसकी जो प्रस्तुति है वो आपने? प्रस्तुति में अलग ढंग से शुरू से करती गई। हाँ, छोटी थी तब भी मैं अपने मन से अलग ही काम की। मतलब आप उसके ऊपर सोचती थी कि प्रस्तुति कैसे? मुझे प्रस्तुति करने के लिए सोच तो रात में आता था। अच्छा। सपना में आता था, कई तर्ज तो मेरे को सपना में, कई कविता तो मेरे को सपना में आता था, उसको मैं दिन मान तैयार करती थी। अच्छा। और जब तैयार करती थी और मेरे नाना को बताती थी तो मेरे नाना रोना पड़ता था। मेरे नाना रो डालते थे कि ये तो मैं नहीं बताता, तेरे को कौन बताता है? बोले मैं क्या बताऊँ, कौन बताता है। तो ऐसे सपने में आपको? सपना में पूरा चित्र दिखाई देते रहे, तो वो देख देख के मैंने पूरा सीख गई। मतलब जो आप सोचते रहते थे? हाँ। तो सपना उसी से ही तो आता है जो आप सोचते हैं, आपके मन में चलता जी जी नहीं, बिना सोचे बिचारे बस तो सो गई, नींद आई सो गई और सपना में आ जाते थे। वो तो पूरी कहानी सपनों के द्वारा होता था, पूरी कहानी। अच्छा। कौन सा? जैसे चित्र महाभारत की लड़ाइयाँ हैं और ये कौरव पांडव के अनाम जनम सब, ये सब दिखाई देते रहे। अच्छा। तो मैंने पूरा सीख गई। तो ये काफी लंबे समय तक ये सपने वाली बात चलती रही? क्या सपना, कितना गाढ़ा है सपना, तो एक मिनट दस मिनट सब काम हो जाए। नहीं, कई दिनों तक ऐसे सपने? नहीं, कई दिनों तक नहीं, जब स्टेज संभाल ली ना। हाँ। तो सपना कमाना शुरू किया। बुलाते हैं? किस अवसरों पे बुलाते हैं? तो जैसे कि तेरे का डिलीवरी हुआ, छठी मान रहे हो। हाँ। तो भी बुला लेते थे, शादी शुदा हो रहा है तो बराती के समय बुला लेते थे, इस तरीके से बुलाते रहे। तो सबसे अच्छा मनपसंद प्रसंग कौन सा है? मनपसंद मुझे भीमसेन का रोल करने में बड़ा आनंद आता था। अच्छा। क्योंकि उसका गरजना, उसका गदा चलाना। ये मुझे अच्छा लगता था। मैंने एक थो मंदिर में गई थी, वो कौन से गांव भूल गई मैं,
जहाँ पानी की खूब बारिश हुआ और जंगल में मंदिर थी, मेरे तबला पेटी सब टूट गए पर भी मैं प्रोग्राम देती रही एक घंटा से डेढ़ घंटा हो गए, तमुरा के तार टूट गया, घोड़ी कहाँ चली गई बारिश में अब मैं प्रोग्राम देती रही एक घंटा तक। अब जब मैंने बंद की बोल तो वृंदावन बिहारी लाल की, तो देवी बोली तो माइक नहीं, माइक बंद, मेरे बेंजो वाले को करंट आ गया तो वो भग गया। अब बच गया तबला फूटा हुआ, ढोल फूटा हुआ, हारमोनियम के तो धज्जी उड़ गई रही, वो एक डफली है ना उसका भी चमड़ा टूट गया था, वो बजने वाला भर बज रहा था। जब मुड़ के देखी तो मेरे पूरे पाल्टी लोग आधे ऐसे करके बैठे रहे ऐसे। मैं बोल रहे तुम लोग क्या कर रहे हो, तो बोले हम लोग बैठे हैं। अरे तो ऐसे बज रहे थे, तबला पेटी बजाते क्यों नहीं हो, तो ढोल वाला देखता है ये देख किसको बजाए, तबला वाले बोले हाथ डाल के, तो बज रहा था वो क्या है, तो आज के कार्यक्रम हो सकता भोलेनाथ के डमरू में काम कर रही थी क्या। तो जैसे आप ये भीम का रोल बहुत करती थी, आपको मजा आता था, तो ऐसे कभी सपने में कोई भीम से मुलाकात हुई? नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। मकुट बांध रहे थे, थोड़ा छोटे वाला दीपक जल रहे थे उसमें मकुट बांध रहे थे, युद्ध का सिर्फ दिखाई दिया, तो उसके बाद मैंने दौड़ के गए तो थोड़ा छोटा सा लड़का बन गया, और बनने के बाद वो बंगाली कुर्ता पहना हुआ था, फिर उसको मैंने उठ पा तो ही तो भगवान है मैं तो देखी हूँ करके उसको उठा रही, तो उठ नहीं रहा, ऊपर ऐसे उठाते उठाते ऊपर देख रही हूँ इतने सुंदर चमकीली सब महल है, तो कुछ बता नहीं सकूँ, उतने समय मैंने चौक के उठ गई, बस मात्र एक बार कृष्ण जी को देखी हूँ और भी सपना में, ऐसे हकीकत तो देखने नहीं मिली। सही बात। तो क्या जिंदगी का क्या निचोड़ लगा आपको? मैंने अपनी जिंदगी के निचोड़ मेरे मन की बात कह रही कि ईश्वर ने मेरे को सचमुच में इसीलिए जन्म दिया क्या, मतलब प्रचार प्रसार के लिए, जन जन तक जानकारी के लिए, ऐसा लगता है, अब लगता है, अब तो बूढ़ी होने जा रही हूँ, थक गई हूँ, गाते गाते कितना ताकत बनाऊँ, पर भी जाती हूँ एक दो चार कार्यक्रम देने के लिए। मैंने तत्काल हॉस्पिटल से निकल के जापान गई, चार कार्यक्रम दी जापान में, वहाँ मेरा सम्मान हुआ था, वहाँ सम्मान पाने के बाद हमारे भारत में सम्मान मिला, तो मैं सोची नहीं थी जिस तरीके का मैंने वहाँ काम की, और जापान में जो काम की हूँ ना ऐसा काम तो मैं कहीं भारत में नहीं की हूँ। क्या किया आपने? पता नहीं, बुद्ध भगवान है वहाँ, पर वो मालिक ने मेरे को किस तरीके का साथ दिया था कि मैं बीमार हालत में थी, मेरे को जमीन में चलने नहीं देते थे, वो गाड़ी गुड़ 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 करके ले जाते थे, वहाँ के लोग इतना मान सम्मान किया, पर वहाँ के चार स्टेज में काम की, दो स्कूल बच्चों के बीच में और दो जनता के बीच में, पर क्या क्या गजब के प्रोग्राम था, मैं अब भी खुश हो जाती हूँ उस प्रोग्राम सोचने के बाद।